एंटरप्रेन्योर में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस हफ्ते हमारी नजर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट पर, वो है सॉक्स। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे FTSE.in ऑनलाइन रिटेल के सहारे एक छोटे से ब्रांड को बड़ा करने में कोशिश कर रही है, जमी हुई है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से, मस्टैंग सॉक्स, जो 27 से 26 साल पुरानी कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है। और हमारे साथ है कंपनी की पार्टनर लुबैना शाहपुरवाला। लुबैना, स्वागत है आपका CNBC आवास पर। एक बहुत ही नोन ब्रांड है मस्टैंग, और आजकल हम देख रहे हैं हर छोटे कॉर्नर में छोटी छोटी कंपनियां स्टॉक मार्केट में आ रही है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स काफी ज्यादा हैं। आपकी जर्नी कैसी रही है मस्टैंग को एक बड़ा प्रोमिनेंट ब्रांड बनाने के लिए? हमारी शुरुआत अनऑर्गेनाइज्ड ही हुई है, बहुत ही छोटे जगह से सोर्सिंग शुरू की हमने और फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा। जिस हिसाब से हम बिजनेस को ड्राइव करना चाहते थे, हमें मार्केट लीडर्स बनना था, फॉलोअर्स नहीं, इनोवेशन को करना था। इसीलिए हमने जितनी भी सॉक्स की रेंज आप हमारी देखोगे, इट इज़ इनोवेटिव, इट इज़ क्रिएटिव, इट इज़ कलरफुल। हमारी प्लेसमेंट भी इसी हिसाब से होती है, क्योंकि हमारे पास जो है किसी के पास नहीं मिलेगा आपको, आई कैन गर्व से बोल सकती हूँ मैं। और जो भी करते हैं हम बेस्ट करना चाहते हैं, सो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं हमारी क्वालिटी और हमारी प्रोडक्ट में। तो इसीलिए हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो शुरुआत की, बाहर से खरीदते थे, खुद धागा देते थे। आज की तारीख में हमारी फैक्ट्री, हमारी जो पूरी फैसिलिटी है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ कंप्लायंट, एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई थिंक हमारे जैसी फैक्ट्री आपको इंडिया में, पूरे इंडिया में मिलेगी नहीं। क्योंकि आपने इतने साल देखे इस इंडस्ट्री में, किस तरह के बदलाव आए? क्योंकि इनिशियली मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, नॉर्मली चलन था या तो आप व्हाइट मोजे पहनोगे या ब्लैक मोजे पहनोगे। एट द मोस्ट लड़कियों को थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता था, मोजों पर थोड़ा सा लेस होता था। उस मार्केट में काफी बदलाव आ रहा है, अब अडल्ट्स भी कलरफुल सॉक्स पहनने लगे हैं। तो वो कैसा था, यू नो, इनोवेशन लाना और टू मूव विद द टाइम? बदलाव देखिए जी, आज की तारीख स्कूल में बदलाव देखिए, पहले की स्कूल क्या थी, आज की स्कूल क्या है। आज की स्कूल चाहती है कि लोगो वाले सॉक्स मिले, कुशन वाले सॉक्स मिले, एलास्टिन के साथ मिले, कूल मैक्स धागे के साथ मिले। सो आज की तारीख में स्कूल चाहती है कि हमारे स्टूडेंट को बेस्ट मिले जी। तो बेस्ट से ही खरीदेंगे, इस बहुत ही सिंपल सी बात है। आज की तारीख में पीपल डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज एंड दे विल डील विद पीपल ओनली हु डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसे में इस तरह के बिजनेस में क्या उतरना आसान बात रही है आपके लिए, क्योंकि नायलॉन सॉक्स से फिर लोगों को आदत डालना कि आप कॉटन सॉक्स यूज कर रहे हैं एंड देन ऑफ कोर्स कलरफुल सॉक्स में शिफ्ट करें? बहुत ही मुश्किल था। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? पहले तो स्पैंडेक्स इंट्रोड्यूस किया हमने, जो सॉक्स इतनी जुराब जो बोलते हैं इतनी बड़ी लगती थी, अब इतनी छोटी लगने लगी। तो हमें खुद जाके शॉप स्टॉप जैसी दुकान में खुद ट्रेनिंग करनी पड़ी कि भाई इसको खींचो, आप देखो स्ट्रेच होती है। तो इस हद तक जो हमारे फाउंडर है खुद जाके सिखाए थे, तो फिर सबको इट वाज एन एजुकेशन। ऑन टुडे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इतने सारे ब्रांड्स जो आए हैं, उसको देखकर पीपल वांट टू बी मोर एजुकेटेड। एंड टुडे बिकॉज हमारे पास ये पहले नॉलेज का जो बेस है और हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, हमारे पास ऑलरेडी, मेरे पास वो लेगेसी है, मैं सिर्फ आगे लेके जा रही हूँ। ओके, अगर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें, कंसीडरिंग ये शो वो लोग देखते हैं जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है जब आपकी नई शुरुआत हो एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इनिशियल डेज से ही उसके बारे में सोचे, या फिर ठीक है जैसे आपने भी पहले आउटसोर्स किया अपना प्रोडक्ट, उसको मॉनिटर किया और फाइनली इवेंचुअली आपको एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इस इंडस्ट्री में लगाना पड़ेगा, और फिर कितना निवेश लगता है ऐसे सेटअप के लिए? इन्वेस्टमेंट तो बहुत लगती है, और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर सकती हूँ, टाइम, एनर्जी बहुत ही लगा, लेकिन उसका फल बहुत बहुत ही मीठा है। सॉक्स एज एन इंडस्ट्री आप देखने चाहिए तो इज एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव, सारी मशीनें एयर कंडीशन यूनिट में रहनी चाहिए ना, तो फिर लेबर स्किल्ड होना चाहिए। हम खुद लेबर को, हमारे जो ऑपरेटर्स है, हमारे जो टेक्नीशियंस है, हम ट्रेन खुद करते हैं, सो दैट वी डू नॉट इनकरेज द आइडिया ऑफ पोचिंग। तो वी पिक अप फ्रॉम द ऑपरेटर लेवल, और हम खुद ट्रेन करते हैं, और हमारे पास खुद इतने लोग हैं। लोग भी बहुत ज्यादा चाहिए, इट इज एन एक्सट्रीमली स्किल। ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया और सॉक्स निकल आया, धागा लगाया, देर आर मल्टीपल प्रोसेसेस उसके बाद। तो
इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, एनर्जी भी बहुत लगेगी, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि बस आपको बेस्ट करना है वो हो पाएगा. ओके, क्योंकि आपकी यूनिट की स्केल काफी बड़ी है, आप लगभग 10 लाख सॉक्स हर महीने बनाते हैं जी. तो अगर किसी ने छोटी शुरुआत करनी है, एक आइडियल क्वांटिटी क्या होगी, और क्या आप अपने पहले थोड़े बहुत सैंपल्स बनाए, फिर मार्केट में जाएं, देखें किस तरह का रिस्पांस बन रहा है, डिजाइन को कितना तवज्जो दें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रॉ मटेरियल सोर्सिंग इज अ बिग फैक्टर, तो वो कहाँ से आप लेकर आते हैं? रॉ मटेरियल सारा इंडिया से आता है, हमारे सारे सप्लायर्स इंडिया से ही है, और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं हम. जैसे कि गारमेंट की एसोसिएशन है, इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, आज तक सॉक्स की है नहीं. मैं अब इस कोशिश में लगी हूँ कि सॉक्स का एसोसिएशन बनाएं, ताकि आज कोई आए हमारे पास और बोले कि मुझे शुरुआत करनी है, आई विल रीच आउट, बिकॉज जब इंडस्ट्री बढ़ेगी नॉलेज बढ़ेगा एंड एट सम पॉइंट देयर विल बी अ, हम लोग कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्री की ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं, क्यों नहीं. इस समय इस तरह के बिजनेस में आई एम श्योर डिजाइन क्वालिटी मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी टीम में कितने डिजाइनर्स हैं, कितनों की जरूरत होती है अगर आपको अपना बिजनेस को स्केल करना है, इवन इफ इट्स एन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर. जी, हमने शुरुआत किया था, मैं डिजाइनर थी, मैं खुद मशीन पे खड़ी रह के हम लोग ड्रम्स में डिजाइनिंग करते थे, तो वहां से शुरुआत हुई है. आज हमारी ऑफिस में 4 डिजाइनर है, और फैक्ट्री के अंदर मशीन पे जो टेक्निकल डिजाइनर्स बोलते हैं 6 हैं. और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भारत में कितनी बढ़ रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में कितना ओपन स्पेस है, क्योंकि काफी बड़े प्लेयर्स भी अब इंडिया जैसे मार्केट में अपना माल लेकर आ रहे हैं, स्पेशली द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज चाइना. चाइना से लोग हटके इंडिया आ रहे हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस. आवर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ रही है विद द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. हमारी नॉलेज खुल रही है मैम. जैसे कि आप देखें ऑफिसेज में लोग आजकल शूज और सॉक्स पहन के जाते हैं, पहले चप्पलों थी ना. तो ऑफिसेज इज बढ़ रहे हैं, आईटी बढ़ रहा है, सब तरीके से हम वी आर गेटिंग मोर कॉर्पोरेट, तो ऑब्वियसली रिटेल इंडस्ट्री बढ़ेगा, सॉक्स की दुकान बढ़ेगी, सो आई ओनली सी ग्रोथ. यहाँ पर आपका मार्केट कितना बड़ा है जब आप उसको कैटेगराइज करें, मेल कस्टमर्स, अडल्ट लेडी कस्टमर्स एंड चिल्ड्रन कस्टमर्स, और एक नए शुरुआती कारोबार, कोई अगर शुरुआती कारोबार है, क्या इजिएस्ट मार्केट है एंटर करने के लिए, क्या बच्चों से शुरुआत करें, क्योंकि यू नो, या फिर मेन से शुरुआत करें, क्योंकि दे रियली डोंट हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल, इज इट? यस, एब्सोल्युटली. मेन वांट द बेसिक ब्लैक, नेवी ग्रे, डार्क ब्राउन, सिंपल सी सॉक्स है, छोटा सा मोटिफ आ गया. मेन से हमने शुरुआत मेन से करी थी, लेकिन एंड वी प्रोग्रेस, जैसे इनोवेशन आया, जैसे मशीनें बढ़ती गई, जैसे मशीन की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमने बच्चों में एंट्री किया. सो शुरुआत मेन से करे, सिंपल से करे, और फिर वक्त हुए आप. और क्योंकि आपने कहा अब मशीनें आ चुकी हैं जी, अब एक पर्टिकुलर मशीन की कॉस्ट कितनी होती है, क्या यह भारत में आसानी से अवेलेबल होती है, फिर आपको बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है? कोरिया, ताइवान और चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है. इनकी प्राइस वेरी होती है फ्रॉम बिटवीन 3 लाख टू 12 लाख, डिपेंडिंग मशीन की कैपेबिलिटी क्या है और आप क्या चाहते हो. तो आप प्लेन सी सॉक्स करनी चाहते हो, सिंपल मोटिफ वाली करनी चाहते हो, तो सस्ती भी मशीन मिल जाएगी आपको. भारत में ऐसे कोई मैन्युफैक्चरर्स नहीं है इन मशीन्स है? जी, मैकेनिकल मशीन्स के है, तो वहां से क्वालिटी वेरी करती है. नहीं, द क्वालिटी इज द सेम, लेकिन टेक्नोलॉजी में फर्क पड़ जाएगा. ओके, तो आपके एंड प्रोडक्ट की फिर क्वालिटी वेरी करेगी. मशीन मैकेनिकल होती है या कंप्यूटराइज, मैकेनिकल की कैपेबिलिटी होती है कि वो डिजाइन नहीं कर पाएगी. ओके, तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं मैकेनिकल मशीन से भी शुरुआत कर सकते हैं, उसका कॉस्ट भी कम है, इट डजंट रिक्वायर एयर कंडीशनिंग, स्लो चलेगी, तो उसमें मिस्टेक्स भी कम आएगी, तो आप शुरुआत मैकेनिकल से कर सकते हो. हमारे पास आज भी मैकेनिकल मशीन है जो हमने रखी है, पहले जिस जो शुरुआत की थी हमने. अब मस्टैंग सॉक्स का क्या इरादा है, आप कितना आपका मार्केट साइज क्या है, और इसको कैसे स्केल करेंगे, क्या नए इनोवेशंस पर आप लोग काम कर रहे हैं? हमारी शेयर जो है मार्केट में इज अबाउट 10-15% ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ग्रोथ प्लान्स तो हमारे हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारा वैसे रहता है 25-35%. ओके, इस साल हमारा ग्रोथ फोरकास्टेड जो है इज अबाउट 40%. ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है,
अवेयरनेस काफ़ी हो रहा है और हम अलायंसेस देख रहे हैं इन डिफरेंट वेज, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो बोलते हैं. सो इट कुड बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी हिसाब से. बिकॉज हम चाहते क्या है कि आज हमारे दिमाग में कोई सोच है तो 20 दिन में वो सॉक्स तैयार होनी चाहिए. उसके लिए हमें बैकवर्ड जाके धागे तक जाना है. सो वी आर लुकिंग एट अलायंसेस ऑल द वे फ्रॉम द बैक टू मेक श्योर दैट फ्रॉम द थॉट टू द सॉक इट डजंट टेक मोर देन 21 डेज. वाकई में मस्टैंग की छाप अब हर किसी के जहन में हो और ऑफ कोर्स उसका इस्तेमाल भी करें. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ. के स्टार्टअप्स में नए वेंचर फंड सालाना करोड़ों का निवेश कर रहे हैं और विदेशी निवेशक भी बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं. इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट गुरु मार्क मोबियस ने मुंबई की एक छोटी सी कंपनी एंट्रोपी में निवेश किया है. हमारी संवाददाता राशि महेश्वरी ने पता लगाया कि एंट्रोपी की एक्सप्रेस बाइक वॉश में मार्क मोबियस का नाम जुड़ने के बाद कंपनी अब आगे किस तरह से अपने बिजनेस को फैलाएगी. सिर्फ 2 मिनट और पूरी बाइक की अच्छे से धुलाई. जी हाँ, ये है एक्सप्रेस बाइक वॉश का बिजनेस मॉडल जिस पर दुनिया के टॉप ग्लोबल इन्वेस्टर गुरु मार्क मोबियस ने पैसा लगाया है. एक्सप्रेस बाइक वॉश एक स्टार्टअप कंपनी है जिसे मुंबई की एंट्रोपी इनोवेशन चलाती है और ये देश का पहला ऐसा स्टार्टअप है जिस पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मार्क मोबियस समेत 10 लोगों ने पैसा लगाया है. आई थिंक इट वॉज वेरी क्लियर दैट ही लुक्ड एट द पोटेंशियल not just of India to give out you know great quality startups but the potential of Entropy itself, the bike wash startup that we are talking about, to make it big in the Indian in the Indian and the world you know market. ये पहली बार है कि Entropy Innovation ने startup के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाई है. हालांकि founders रकम का खुलासा नहीं कर रहे हैं. IIT और IIM से पढ़े जिगर भूषण और नीरज ने कंपनी 2013 में शुरू की थी. एक्सप्रेस बाइक वॉश के फिलहाल मुंबई में घाटकोपर, कांदिवली, मुलुंड और कोपर खैरने में स्टेशन है. पिछले 1.5 साल में 1 लाख बाइक वॉश करने का कंपनी दावा कर रही है. बाइक, देयर इज नो प्रोफेशनल स्टोर्स, देयर आर ओनली रोड साइड वेंडर्स और देयर आर ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशंस हु आर जनरली वेरी एक्सपेंसिव. And if you go to an authorized service station, it's not specifically for detailing, it is for all sets of services like repair work. So they try to oversell you, upsell you, lot of different stuff which you don't want. हमारा देश टू व्हीलर्स का सबसे बड़ा मार्केट है. इस मार्केट के पोटेंशियल को देखते हुए कंपनी बाइक वॉशिंग के लिए सिर्फ 50 रुपए से 500 रुपए तक चार्ज करती है. एंट्रोपी इनोवेशन इस एंजल इन्वेस्टमेंट को अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान में लगाना चाहती है. इट्स अ कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया. तो लोग देखते ही उसको मतलब उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है एंड दे ऑलवेज कीप कमिंग बैक विद यू नो स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस. या फिर जैसे हमने ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में दिया है तो मेनी डीलर्स गो देयर, हैव अ लुक एट द मशीन एंड उसके बाद दे कॉल अस. सो मोस्ट ऑफ द इंक्वायरीज हैव बीन इनकमिंग राइट नाउ और ऑलरेडी वी आर लाइक फ्लडेड विद इंक्वायरीज ऑन डेली बेसिस. वी आर गेटिंग अराउंड 15-20 इंक्वायरीज, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द मशीन. और ये जो है हमारी जो आगे की 1-2 साल की प्लानिंग है उसके लिए आई थिंक वी हैव सफिशिएंट नीड्स एंड सफिशिएंट इंक्वायरीज टू ग्रो नेशन वाइड. कंपनी एक्सप्रेस बाइक की पहुंच देश भर में करने के लिए खुद के स्टोर शुरू करेगी. साथ ही मॉल्स, पार्क्स, पेट्रोल पंप्स, ऑटो सर्विस सेंटर जैसी जगह को टारगेट करते हुए कंपनी फ्रेंचाइजीज का रास्ता अपना कर जल्द विस्तार पर फोकस बढ़ा रही है. राशि महेश्वरी, मुंबई. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ. आप हमसे संपर्क में जरूर रहें फेसबुक और ट्विटर के जरिए. टेक केयर.